हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट बायो मैग्निफिकेशन एंड बायोनॉमिक्स। सो लेट्स गेट इनटू द लेक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बायो मैग्निफिकेशन? बायो मैग्निफिकेशन क्या होती है? बायो मैग्निफिकेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जब भी टॉक्सिक मटेरियल्स की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करती जाती है एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। अब ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं? हमने इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ा है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स जो है वो आते हैं। सबसे नीचे में हमारे क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स, जो क्या होते हैं, बेसिकली हमारे प्लांट्स होते हैं। और एक्वाटिक इकोसिस्टम में चले जाएँ तो वो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। एंड देन सेकेंड आ जाते हैं हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। सो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन आते हैं हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड लास्ट में आते हैं टर्शियरी कंज्यूमर एंड देन प्रेडेटर्स। सो इस तरीके से हमारे डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। तो बायो मैग्निफिकेशन क्या होती है कि मान लीजिए यहाँ पर क्या है, कुछ टॉक्सिक केमिकल्स हैं, ठीक है। अब ये जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर लेट्स से 1 mm है, ठीक है। तो जब, या फिर 1 mm 1 ppm है, ठीक है। अब जैसे ही जो है ये इनको कोई कंज्यूम करेगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, लेट से 2 ppm हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करती 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 जो है वो हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो टॉक्सिक मटेरियल की सबसे ज़्यादा हो जाएगी। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये इंक्रीज क्यों करती है? क्योंकि जो टॉक्सिक मटेरियल है वो पहले ही क्या होते हैं, जो एकदम इनिशियल ट्रॉफिक लेवल्स पर ही क्या होते हैं, वो मेटाबोलाइज नहीं होते हैं, एक्सक्रीट आउट नहीं होते हैं, वो सिर्फ क्या होते रहते हैं, पास होते रहते हैं टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। और इसीलिए जो है, और इसी फेनोमेनन को हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। जैसे यहाँ पे देखो, ये मे फ्लाई है, यहाँ पर टॉक्सिक केमिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इतनी है। देन इट इज कंज्यूम्ड बाय ब्लू गिल, अब इसमें कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, जो कि विच इज इन टर्न कंज्यूम्ड बाय बास, ठीक है। सो इसमें कॉन्सेंट्रेशन और ज्यादा इंक्रीज होगी। एंड ये जो कौन कंज्यूम कर रहा है, इसको ह्यूमंस कंज्यूम कर रहे हैं, सो इसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल्स और पॉल्यूटेंट्स क्या हो रही है, इंक्रीज होती जाती है एट ईच ट्रॉफिक लेवल। अब वैसे ही यहाँ पर अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में देखें तो यहाँ पर क्या है, एल्गी है, ठीक है। एल्गी में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन 0.04 ppm। जू प्लैंक्टन कंज्यूम करें तो 0.23 ppm हो रही है। एंड उसी तरीके से जो हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पर क्या है, ह्यूमंस हैं, तो वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जा रही है, 13.55 ppm, ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रही है, टॉक्सिक केमिकल्स की इंक्रीज करती जा रही है। अब इसका जो काफ़ी बायो मैग्निफिकेशन जो है वो इट इज़ वेल नोन फिनोमिनन फॉर क्या क्या, एक तो DDT एंड एक दूसरा है हमारा मर्क्यूरी, के लिए बहुत ज़्यादा कॉमनली नोन है। अब DDT क्या है, DDT एक क्या है, इंसेक्टिसाइड है जो फील्ड्स में यूज़ करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चरल फील्ड्स में यूज़ करते हैं। अब वो रन ऑफ होके कहाँ पे आ गया, वाटर में आ गया। और DDT क्या है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, मीन्स ये एकदम डिग्रेड नहीं होता, ये सिर्फ एक्यूमुलेट करता रहता है। सो वाटर में इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.03 ppm है, लेकिन जब इनको जू प्लैंक्टन्स ने कंज्यूम किया, फीड किया उस पर, तो वो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। देन इट इज़ कंज्यूम्ड बाय स्मॉल फिश, स्मॉल फिश को लार्ज फिश ने कंज्यूम किया, लार्ज फिश को फिश ईटिंग बर्ड्स ने कंज्यूम किया, एंड अल्टीमेटली जो कॉन्सेंट्रेशन है DDT की वो 0.5, देन 2 ppm, एंड देन 25 ppm तक जो है वो इंक्रीज होगी। सो पूरी की पूरी जो फूड चेन है एंड पूरे के पूरे ट्रॉफिक लेवल्स को क्या कर रही है, चीज़ अफेक्ट कर रही है। सेम इज़ द केस विद मर्क्यूरी, मर्क्यूरी कॉन्सेंट्रेशन भी ऐसे ही इंक्रीज करती जाती है। लेट्स से मर्क्यूरी क्या है, वाटर में है, देन वाटर में एल्गी ग्रो करेगी, फिर देन उसको क्या है, एल्गी ईटिंग इंसेक्ट्स कंज्यूम करेंगे, एंड देन साथ में देन इंसेक्ट ईटिंग इंसेक्ट्स, देन इस तरीके से पूरी फूड चेन चलती जाएगी, एंड लास्ट में ह्यूमंस को जो है ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, ठीक है। एंड जो मर्क्यूरी है, इससे काफ़ी ज़्यादा फेमस डिजीज़ है, मीनामाटा डिजीज़ जो है वो पाया गया है, ठीक है, होता है। एंड मतलब ये काफ़ी ज़्यादा वेल नोन टर्म्स है, या वेल नोन जो है इसके जो है वो फिनोमिनन है, ठीक है, फॉर मर्क्यूरी एंड DDT। काफ़ी ज़्यादा जो है ये टॉक्सिसिटी जो है वो क्रिएट करता है इन द फूड चेन एंड इन ऑल द ट्रॉफिक लेवल्स। अब इस बायो मैग्निफिकेशन के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? पहला तो क्या है, एग्रीकल्चरल कॉज। अब एग्रीकल्चरल कॉज कैसे, एग्रीकल्चर में हम इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड्स जो है वो सब यूज़ करते हैं। अब वो जितने भी केमिकल्स होते हैं उसमें क्या है, बहुत सारे हार्मफुल और हैवी मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, दो बहुत स्मॉल अमाउंट्स में होते हैं बट प्रेजेंट होते हैं। लाइक हमारा क्या है, मर्क्यूरी, आर्सेनिक, कोल, कॉपर, लेड, कैडमियम। सो ये सारे के सारे जो है वो यूज़ होते हैं, बहुत छोटी कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं, लेकिन जब ये कॉन्सेंट्रेशन एक्वाटिक इकोसिस्टम्स तक पहुँच जाती है, एंड देन फिर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन कंसेक्यूटिवली क्या करती है, वो इंक्रीज करती जाती है, ठीक है।
और फिर वो क्या है, बायोमैग्निफिकेशन कॉज कर देती हैं। सेकंड आ जाते हैं ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स। ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स में हमारे क्या आ जाते हैं, जितने भी हमारे मैन्योर्स हैं या बायो सॉलिड्स हैं जिसको हम क्या है इंडस्ट्रियली प्रोसेस करते हैं, और इसमें कंटेमिनेंट्स होते हैं लाइक फार्मास्यूटिकल्स होते हैं या पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। सो ये क्या होते हैं, ये सब्सटेंसेस का भी क्या काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट होता है ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ, सभी पर काफ़ी ज़्यादा बुरा इफेक्ट जो है ये कॉज करते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। अब इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं, ठीक है, एंड ये जो इंडस्ट्रीज़ का जितना भी वेस्ट है वो वाटर्स में, सीज, लेक, रिवर्स में, सब में जो है वो जा रहा है, ठीक है, जा रहा है। सो उस वजह से क्या है, वाटर नियर बाय जो भी वाटर बॉडी है वहाँ पर क्या है केमिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, जिससे क्या है एक्वाटिक इकोसिस्टम जो है वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब्ड हो रहा है, एंड इट अल्टीमेटली कॉज द बायोमैग्निफिकेशन। देन आते हैं माइनिंग एक्टिविटीज़ इन द ओशन। अब माइनिंग एक्टिविटीज क्यों की जाती है, टू एक्सट्रैक्ट वेरियस मेटल्स, ठीक है, डिफरेंट मेटल्स एक्सट्रैक्ट करने लाइक जिंक, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, इसलिए माइनिंग एक्टिविटीज की जाती है। ये माइनिंग एक्टिविटीज जब भी होती है तो वो काफी ज्यादा अमाउंट में क्या है सल्फेट और सिलीनियम को जनरेट करती है, विच इज वेरी टॉक्सिक, और वो टॉक्सिक है एक्वाटिक इकोसिस्टम के लिए भी, तो वो जो है वो एक्यूमुलेट होता रहता है एंड अल्टीमेटली लीड्स टू बायो मैग्निफिकेशन। इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले तो इफेक्ट्स वही हो सकते हैं इंपैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमंस में काफी ज़्यादा डिजीज कॉज कर सकते हैं क्योंकि फूड चेन से अल्टीमेटली कहाँ तक आ रहा है, ह्यूमंस तक आ रहा है। ह्यूमंस में लाइक कैंसर, स्किन डिजीजेस, देन लिवर डिसऑर्डर्स और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो ये क्या है कॉज कर रहे हैं। सेकेंडली क्या, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ मरीन क्रीचर्स। अब काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स इतने ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं कि वो क्या है रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट को जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इफेक्ट जो है वो कॉज करते हैं। अब जैसे अगर जैसे इतने ज़्यादा जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं जब वो रिलीज हो जाएंगे तो एक जो बर्ड्स के एग्ज हैं, ठीक है, उनका शेल क्या होता है काफ़ी ज़्यादा थिन हो जाता है। उस शेल की थिनिंग की वजह से क्या है वो एकदम से जो है वो एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, इवन इंक्यूबेशन टाइम पर ही वो जो है वो क्रश हो जाते हैं, ठीक है। एंड काफ़ी ज़्यादा जो हमारे केमिकल्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं वो एक्वेटिक इकोसिस्टम के जो एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसको क्या काफ़ी ज़्यादा हार्म क्रिएट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से उनकी रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंटल साइकिल्स जो हैं वो क्या होती हैं उस पर बहुत एडवर्स इम्पैक्ट जो है ये क्रिएट करता है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ कोरल रीफ्स। अब कोरल रीफ्स जो हैं दे आर वेरी वेरी एसेंशियल फॉर एक्वाटिक इकोसिस्टम। ये बहुत पहले से जो है वो सी क्रीचर्स जो है वो रहते हैं, ठीक है, एंड इनका अगर डिस्ट्रक्शन हो गया तो काफ़ी एक्वेटिक एनिमल्स की जो लाइफ है वो क्या होगी, अफेक्ट होगी, ठीक है। देन इज डिस्ट्रप्शन ऑफ फूड चेन, विच इज़ अ वेरी ऑब्वियस रीजन, ठीक है, फूड चेन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो रही है क्योंकि छोटे से हम चीज़ से शुरू कर रहे हैं, प्रोड्यूसर उसको ले रहा है, देन अल्टीमेटली प्रोड्यूसर पर प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर पर सेकेंडरी कंज्यूमर फीड करता है, देन टर्शरी कंज्यूमर एंड देन प्रेडेटर्स, और पूरी की पूरी फूड चेन जो है वो क्या हो रही है डिस्टर्ब्ड हो रही है एंड इसमें एडवर्स इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। सो दिस इज अबाउट बायोमैग्निफिकेशन एंड बायोनॉमिक्स। अब हम टर्म समझते हैं, सो बायोनॉमिक्स मे बी न्यू टर्म फॉर यू। सो बायोनॉमिक्स को अगर हम स्प्रेड करें तो बायो का मतलब होता है लाइफ एंड नॉर्म्स का मतलब होता है लॉ। तो बायोनॉमिक्स क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होती है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म की, ऑर्गेनिज्म क्या है एंड उसका इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन क्या है। सो उस कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी को हम बायोनॉमिक्स बोल देते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है इकोलॉजी से, ठीक है, इकोलॉजी में भी हम इन्वायरमेंट एंड उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की स्टडी करते हैं, बट बायोनॉमिक्स में का ज़्यादा फोकस रहता है एक नेचुरल इकोसिस्टम कैसे इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन सिस्टम को एंड कैसे वो लाइफ मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है। सो ये सारी चीज़ों को जो है वो बायोनॉमिक्स में जो है वो स्टडी किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर एंड आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे दोनों ही टॉपिक्स। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कॉमेंट करके बता सकते हैं, एंड नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना है आप वो भी कॉमेंट करके बता सकते हैं। हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक